Good morning students, grade 8, Hindi literature, chapter number 2, 3, Sawal. प्रस्तुत पाठ के प्रथम भाग में हमने समस्त पाठ का परिचय प्राप्त किया. इसके अतिरिक्त पाठ में ऐसे भी शब्द आते हैं जिनके अर्थ हम नहीं जानते. तो स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे. अखरना, बुरा लगना. वाक्य, राजा को अपनी हार बहुत अखरती थी. डुगडुगी पिटवाना, ढोल बजाते हुए सार्वजनिक रूप से सूचना देना. वाक्य, अपने सवालों के जवाब पाने के लिए राजा ने राज्य में डुगडुगी पिटवाई. कुदाल, मिट्टी खोदने का फावड़ा नुमा एक औजार जिसमें लकड़ी का बेंत लगा होता है. वाक्य, साधु बड़ी लगन से कुदाल से जमीन खोद रहे थे. इस चित्र में हम वो देख रहे हैं. संतोष, संतुष्टि. वाक्य, साधु के जवाब सुनकर राजा को संतोष हुआ. देहरी, द्वार के पास की भूमि, द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी या पत्थर. वाक्य, पूरे दिन की थकान से राजा झोपड़ी की देहरी पर ही सो गया. प्रस्तुत चित्र में हम देख रहे हैं कि राजा देहरी पर ही सो गए हैं. अंगरक्षक, किसी के शरीर की रक्षा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, अंग की सुरक्षा करने वाला. वाक्य, राजा अपने अंग रक्षकों के साथ जंगल में गया. तो इस प्रकार हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ तथा उनके वाक्य में प्रयोग देखे. स्टूडेंट्स, हमने प्रस्तुत पाठ के प्रथम भाग में भी देखा था कि राजा को साधु के उत्तरों से संतुष्टि प्राप्त हुई थी. मैं आपको दोबारा वह उत्तर समझा रही हूँ कि साधु ने राजा द्वारा जमीन की मिट्टी को खोदने और घायल आदमी का इलाज करने के आधार पर जवाब देते हुए कहा कि सबसे सही समय वह होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है. सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं, और सबसे जरूरी काम अपने सामने संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना, क्योंकि दूसरों के काम आने में ही जीवन की सफलता है. धन्यवाद.